हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस, जिस तरह से मैं फिर से लेकर आई हूँ टॉपिक, पर आज क्या कहता है, इतने दिन से लोग दुनिया मतलब कि यूट्यूबर वाले, सारे यूट्यूबर वाले क्या कर रहे थे, आरती को मार रहे थे जिंदा। कभी उसके फोटो पे हार चढ़ाया जा रहा था, जिंदा फोटो पे गुड़िया गोरखपुरिया का भी ऐसी हाल करा था, उनके भी मतलब कि गुड़िया जी हार्ट अटैक नहीं आया था, फिर भी उनको दुनिया ने ये कह दिया ये मर गई। ऐसा तो मत बोलो, वो नई नई माँ बनी थी फिर भी उनको जिंदा मार रहे थे, और इस तरह से हमारी आरती को भी मार रहे। अब बात आ गई हमारे बन्नू पर, क्या हो गया, क्या कहता, उसको भी किसने मार दिया? नहीं भैया, वो मरे नहीं है, जिंदा है, भगवान करे उनकी लंबी उम्र बने। एक तो वैसी भी आरती इतनी परेशान रहती है, और आप लोग ना सच में किसी को खुश रहने नहीं दोगे, बिल्कुल भी नहीं दोगे। सही बात है ना, यही बात है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लोग वीडियो मत बनाओ, पर झूठी अफवाह तो मत फैलाओ, सच बोलो। सच बोलने से कुछ नहीं जाता, सच बोलने से भगवान भी हमारी जुबान पर वास करेंगे, ये मैंने सीखा है सिर्फ अपने आप से। और जो लोग झूठ का साथ देते हैं वो उतने ही भागीदार होते हैं, ये याद रखना। तो गाइस, पता है आजकल क्या चल रहा है? आज पहले तो इतने दिनों से मैं ये समझा रही थी आपको कि आरती जिंदा है, उसकी जिंदा की फ़ोटो बनाए, यूट्यूब पर किसी भी तरह की वीडियो बनाए, पर जिंदा की फ़ोटो बनाए। इस मरे गिरे की फ़ोटो बनाने से मैं आपसे हाथ जोड़ चुकी हूँ, और हाथ जोड़ के विनती भी कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐसी वीडियो मत बनाया करो। जो इंसान जिंदा है उसको जिंदा रहन दो, मरे हुए को मारो तो अच्छा रहेगा। तो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है, मन्नू जी जिंदा हैं, सही सलामत हैं, आरती के साथ हैं, मैं डेली ब्लॉग डालती हूँ, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। भगवान करे उनकी हमेशा लंबी आयु रहे, क्योंकि उस शख्स ने बहुत कुछ झेला है, अब जाके उसकी ज़िंदगी सवरी है। तो प्लीज़ उस आरती को खुशी खुशी रहने दीजिए मन्नू के साथ, और जीवन संवारने दीजिए आगे। तो अभी उसने ज़िंदगी नहीं जी, आपने उससे पहले उसे ख़त्म कर दी। ऐसे थंबनेल मत बनाओ, मैं हाथ जोड़ से आपके दुआ करती हूँ कि आपके बालक बच्चे जो भी हों मतलब आप भी खुश रहें, पर इस तरह की वीडियो मत बनाओ, इस तरह का थंबनेल मत बनाओ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर जिसने भी थंबनेल बना दिया ऐसा, उसके लिए भी मेरे पास सवाल है। ऐसा थंबनेल बना दिया, भगवान सब देखता है कभी कभी, एक टाइम तो भगवान राम भी हमारे जवान पर बैठे होते हैं, पर याद रखना कभी कभी कुछ चीज़ें सच हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा कभी ना हो, मैं बहुत उससे रिक्वेस्ट आप सबसे कर रही हूँ, इसलिए नहीं करती हूँ कि उन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ, इंसानियत जिंदा है मुझ में इसलिए कर रही हूँ। इंसानियत जिंदा नहीं होती ना तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रही होती, पर मेरा इंसान मरा नहीं है, जिंदा है जिंदा। पर आप लोगों का सच में जमीर भी मर गया, या शायद इंसानियत मर गई है। और गुड़िया गोरखपुरिया भौजी या कोई भी हो, या गुड़िया जी हो, लक्ष्मण भैया हो, या आलती हो, या मालती हो, या कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, किसी की कितनी भी दुश्मनी हो, पर जिंदा फोटो पर हार मत चढ़ाओ, यही कहना चाहती हूँ। यूट्यूबर कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा बुरा हो, चाहे घटिया हो, पर उनकी वीडियो पर हार मत चढ़ाओ। ये बात लक्ष्मण भैया ने खुद आपसे भी उस दिन कही थी, और आज मैं कह रही हूँ इस चीज़ को, मैंने उस दिन भी आपको टोका था और आज भी टोक रही हूँ, मत बनाओ। वार्निंग है ये मेरी, वार्निंग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरी कही भाई बात आपको दिल में लगेगी और इंसानियत जागेगी उन लोगों की। इतने दिनों से मैं आरती के लिए कह रही थी, आज मैं मन्नू के लिए कह रही हूँ। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को करना लाइक।